आप ही वो भाग्यशाली विजेता बन जाएं, जिसे एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू सैमसंग स्मार्टफोन मिल जाए। इसके अलावा और भी गिफ्ट हैम्पर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। अभी हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें और अपनी किस्मत चमकाएं। धन्यवाद। सरकार यूपी में 4 चांद लगाने की तैयारी में, कोरोना के आंकड़ों ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की खोली पोल। सरकारें सियासतें करती रहेंगी, बेरोजगार मरता रहेगा। यूपी का पूर्वोत्तर रेलवे ऊर्जा संरक्षण और जल संरक्षण के क्षेत्र में अव्वल। उपचुनाव के नामांकन में पुलिस और प्रशासन की तैयारियों की खोली पोल। यूपी में अब इन ग्राम पंचायतों में से 100% वैक्सीनेशन वाली ग्राम पंचायतों को मिलेगी इनाम। कानपुर में भाजपा की चिंता छुपाए नहीं छुप रही। अलीगढ़ शराब कांड के मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा के पास है 250 करोड़ की संपत्ति। यूपी के बिजली विभाग की लापरवाही के कारण 2 बच्चों की मौत। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। योगी सरकार ने आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में केंद्र के रूप में उभरने वाली योजना राम मंदिर के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। 18 दिसंबर तक राम मंदिर के चबूतरे और कॉरिडोर का निर्माण कार्य होने की संभावना है, जिससे 16 फीट ऊंचे चबूतरे पर भव्य राम मंदिर का गर्भगृह और मंडप बनाया जाएगा। योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में माने जाने वाले इंटरनेशनल फिल्म सिटी को इस साल के अंत में यानी दिसंबर तक शुरू करने के आसार बन रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इसके शुरू होने के कारण यूपी में विकास की गति को 4 चांद लग जाएंगे। प्रदेश में कानपुर के GSPM मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने न सिर्फ कोरोना रोगियों की मौतें छुपाई बल्कि संक्रमितों की संख्या भी दबा ली है। रविवार को राज्य के कोविड पोर्टल पर 9 पुरानी और 1 नई मौत मिलकर 10 मौत अपडेट की गई, अर्थात पहले हुई मौतों को अब पोर्टल पर धीरे धीरे अपडेट किया जा रहा है, जो कि एक गंभीर लापरवाही है। जैसा कि विदित है कि प्रदेश में 15 दिसंबर 2016 को शिक्षकों के 12,460 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। मार्च 2017 में दूसरी सरकार अर्थात भाजपा सरकार प्रदेश में आ गई, जिससे भर्तियां अटक गई। फिर कोर्ट के आदेश के बाद पुणे भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई, लेकिन 6,512 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के बाद फिर पुनः कोर्ट में प्रक्रिया उलझ गई, जिससे 5,948 अभ्यर्थियों के पास नौकरी में नंबर आने के बाद भी बेरोजगार मरना पड़ रहा है। अर्थात सरकारें अपनी रोटियां सेक करके निकल जाती हैं। भारतीय रेल द्वारा हाल ही में वाराणसी मंडल पर चयनित 12 स्टेशनों को ग्रीन स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि वाराणसी मंडल पर डिजिटाइजेशन के क्रम की ई ऑफिस, HRMS, HRMS, UDM आदि लागू कर कार्यप्रणाली का आधुनिकीकरण किया गया है, जिसके साथ कागज की खपत में और सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री स्टेशन या ऑफिस प्रावधान कर प्रमुख कार्यालयों को प्लास्टिक फ्री किया है, जिससे मृदा प्रदूषण पर रोक और कार्यालय परिसरों में काफी सुधार हुआ है। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके पहले ही दिन हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने पुलिस प्रशासन की सुरक्षा की पोल खोल कर रख दी है। यहाँ ग्राम वार्ड सदस्य उम्मीदवारों को पर्चा दाखिल करने से रोकने की कोशिश की गई। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने घोषणा की है कि मिर्जापुर जनपद की 5 विधानसभा क्षेत्रों नगर, मझवा, छानवे, चुनार, मड़िहान की ग्राम पंचायतों में से जो भी ग्राम पंचायत सबसे पहले कोरोना वैक्सीनेशन का 100% आंकड़ा पूर्ण करेगी, उस ग्राम पंचायत को सांसद क्षेत्रीय विकास निधि से
1,00,000 का विकास कार्य अतिरिक्त मिलेगा। हिस्ट्री शीटर मनोज सिंह को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी की खूब फजीहत हुई है। इस कांड के बाद से भाजपा को कानपुर में पार्टी का चेहरा ठीक करने की चिंता सताने लगी है, क्योंकि शीघ्र ही आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये चिंता लाजमी भी है। एक अनुमान के मुताबिक शासन शराब माफिया की करीब 250 करोड़ की संपत्ति को जब्त करेगा। इसके पास पौश इलाके में 8 फ्लैट में जमीन और कुछ आवासीय जमीन ये भी शामिल है और बैंक बैलेंस, गोल्ड और पॉलिसी की डिटेल्स आना भी बाकी है। यूपी के बलरामपुर में प्राइमरी स्कूल की छत पर होकर जा रही हाइपरटेंशन लाइन की चपेट में आकर 2 बच्चे झुलस गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इससे पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई है और उनके परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है।